बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि क्या क्या लिया था मैंने। तो ये जो है, ये शैम्पूज, ये जो मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, ये शैम्पूज हैं, ये साबुन हैं। इधर यहाँ पे जो है बाथरूम जो टॉयलेट क्लीनर होता है ये है, और साथ में डिश वॉशर क्लीनर। यहाँ पे जो है परफ्यूम्स लिए हैं मैंने गिफ्ट्स के लिए और कुछ अपने लिए हैं। लेडीज़ परफ्यूम्स हैं और ये सब लेडीज़ पर परफ्यूम्स हैं। और फिर बाद में जो है मेरे हस्बैंड ने जेंट्स परफ्यूम्स लिए थे और वो भी गिफ्ट्स के लिए। ये जो है ये भी, ये हाँ लेडीज़ ही हैं, तो इस तरह से कुछ मिक्सअप ही हैं। ये भी लेडीज़ परफ्यूम्स हैं, कुछ अतर हैं। तो ये मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। मैंने सोचा कि आप लोग को अपनी शॉपिंग दिखा दूँ। तो ये वीडियो जो है मेरी शॉपिंग की है। ये जेंट्स परफ्यूम्स है, ये मैंने मेरे हस्बैंड ने लिए हैं और बस देंगे वो दोस्तों को और कुछ यही है कि टीचर्स वगैरह को गिफ्ट्स वगैरह। तो देखिए काफ़ी सारे उसने एक ही जैसे के लिए हैं और बहुत अच्छी स्मेल थी। हालांकि इतने महंगे तो नहीं है से, मतलब वो है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान में तो महंगे होंगे खैर। लेकिन ये देखिए, ये ऊद है, ऊद परफ्यूम का नाम है और बहुत ही ज़बरदस्त स्मेल है इनकी। और ये भी सब परफ्यूम्स हैं जो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ ना। ये सिगार परफ्यूम जो है उसके मतलब की तरह से वही स्मेल है उसकी, सिगार परफ्यूम की स्मेल है। और परफ्यूम्स बहुत अच्छे लगते हैं हमें। और यहाँ पे देखिए ये लेडीज़ है, लेडीज़ के परफ्यूम है और लेडी नाम भी बिरहान उसका लेडी है। और ये जो यहाँ पे है बॉडी स्प्रे है, ये मैंने अपने ले लिए थे बिल्कुल, ये मैंने अपने ले लिए हैं। ये भी जो है रोल ऑन अंडर आर्म है और बहुत ज़बरदस्त स्मेल है इनकी। ज़रूर मैं यूज़ करती हूँ ना, तो खुशबुओं से मुझे जो है बहुत प्यार है। और ये डिफरेंट टाइप्स के और उधर असल में ज़रा सस्ते मिलते हैं तो अच्छा। ये देखे मैंने लिए, ये तो पेन मैंने लिए हैं, पेन की बहुत ज़रूरत होती है पेन। अच्छा ये जो है ट्रैवल मग है, ये दो लिए हमने, एक मेरा एक और एक हस्बैंड का। तो बस ये ले लिए हमने एक कप, मुझे मेरा दिल चाहा कॉफ़ी कप, मैंने सोचा कि ये ले लूँ। और कुछ भी चीज़ जो है बस सामने आ जाती है, जो पसंद आ जाती है तो ले लेते हैं। ये बैग मैंने लिया मेरे हॉस्पिटल के लिए, ज़रूरी 24 आवर्स ड्यूटी होती है ना, तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा ये बैग की ज़रूरत होती है। बहुत ही मैं यूज़ कर रही हूँ अभी आजकल, तो इसमें जो है सब कुछ सामान आ जाता है। 24 आवर्स बहुत लेंथी ड्यूटी होती है। और इसके अलावा भी मतलब एक बैग है तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का। और ये शर्ट है, यही है कि शर्ट है ये, देखें कितनी खूबसूरत रेड कलर। वो तो बहुत वो कर रहा था, नखरे कर रहा था कि नहीं रेड नहीं पहनी मैंने। मैं पहने का बहुत मतलब अच्छा लगता है। और ये ट्राउज़र्स हैं और नील ब्लू शर्ट भी है, ट्राउज़र्स हैं, बहुत लेना चाह रही थी मैं। ये भी शर्ट है ग्रे कलर की, लेकिन वो नहीं ले रहा था। अभी देखती हूँ, अभी तो हर दिन है, अभी लूँगी। और भी ट्राउज़र्स हैं और यहाँ पे तो है, ये तो खैर सब्ज़ी है जी, सब्ज़ी है, फ्रूट है, मतलब पता नहीं क्या है, अंगूर है और हाँ सेब है शायद। अच्छा तो यहाँ पे है जी बिस्किट्स, बहुत अच्छा टेस्ट होता है इसका। गुड डे, गुड डे बिस्किट जो है बहुत ज़बरदस्त होते हैं। ये लिए मैंने, बच्चा खाता है या फिर कुछ मेहमान आ जाए, कुछ इस तरह डाइजेस्टिव बिस्किट्स हैं। और ये चॉकलेट के हैं, यही को बहुत पसंद हैं, माय गॉड। और यहाँ पे ये बिस्किट जो हैं ड्यूटी पे ले जाते हैं बंदा चाय के साथ, और या फिर ज़रूरत होती है। यहाँ पे जो है मैंने कैरमल लिए, यहाँ पे पुडिंग, उसके अलावा भी आप डिज़र्ट में भी डाल सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी आगे, इससे डिज़र्ट में डालें तो बहुत ज़बरदस्त जेलीज हैं। वो देखें जेली मैंने लिए हैं, ऑरेंज ऑरेंज कलर की जेली है और ग्रीन यानी क्या पाइनएप्पल जेली, ऑरेंज जेली, मैंगो जेली, कितना कितना मैं खर्चा करती हूँ ना, बहुत ज़्यादा। अच्छा ये है माशाल्लाह से ऑरेंज जेली है, हाँ ये जेलीज जो है मैंने 4-5 तो ली। और ये है और येलो जेली, ये सब जैसे कि टूटी टूटी फ्रूटी कुछ आप बना रहे हो ना, तो उसके लिए यहाँ पे जी कैंस आ गए। तो कैंस में जो है वो ज़रूरी होता है, लोबियाज हैं जी, सोमा, ये जो होते हैं ना दारी के
पैक्ड बेक्ड बीन्स जो होते हैं ना, टोमेटो जिसमें केचप भी होता है, और ये ज़बरदस्त किस्म के, ये बहुत पसंद है मुझे ये, बस ऐसे ही बंद रेडीमेड होते हैं ना, रेडी टू ईट। और ये क्या होते हैं जो कॉर्नस होते हैं, कॉर्नस वो, और लोबिया और छोले, सब बहुत ज़रूरी होते हैं ना घर में रखने, तो ये सब कुछ लिया मैंने। अच्छा ये जो है डेकोरेशन पीस लिया यहीया ने, बस ये इसमें है कोई टाइमर सा है उसमें, मतलब ऐसे डेकोरेशन भी है और खूबसूरत सा, और ये बस टाइमर भी है ऐसे है, बस यानी आई मीन टेबल पर रखने के लिए, तो उसने लिया अपने रूम के लिए। नमक जो है देखे ना, ये पता नहीं कि उसमें कुछ सैंड सा है, सैंड है सॉरी, नमक की तरह लग रहा है, सैंड ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये 10 मिनट्स में आएगा, तो इस तरह से ये 10 मिनट, तो बस ये यही है जो है उसको लिखा हुआ है इसके ऊपर, यही है, कोई ऐसी चीज़ें पसंद होती है। ये एक और दिन का व्लॉग है, फिर से हम गए थे कुनफिदा, और ये यहाँ पे जो है हम बीच साइड पे गए थे, तो मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ बीच साइड, बीच व्यू बहुत खूबसूरत, बहुत सुकून, मज़ा आया था। समंदर साइड, समंदर साइड तो खैर काफ़ी जगह है उधर, कॉर्निश है और बहुत जगहों पे है, और वैसे बीच है हनीश बीच और इस तरह से, जो कि ओपन है जिसमें मतलब आप समंदर के अंदर भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ बस ऐसे चेयर्स रखी थी, कुछ कॉफ़ी शॉप्स थी, और उसके अलावा सामने मार्केट्स हैं। अच्छा ये मतलब ये तो यहाँ पे जो है शाम का टाइम था मगरिब का, और यहाँ पे हमने फिर नमाज़ भी पढ़ी अज़ान के बाद, और इतना सुकून है, थोड़ी देर हम बैठे, मैंने घर भी बात की थी फिर मम्मी से, और बहुत मुझे मज़ा आया था। तो यहाँ पे हमने कुछ देर सुकून किया, कॉफ़ी पी, उसके बाद फिर हम गए यही फिर शॉपिंग वगैरह की, फिर से खाया पिया। और यहाँ पे बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा थी, बिल्लियाँ जो है ये सऊदियंस जो है इनको बहुत पसंद होती हैं, और बिल्लियाँ बहुत मतलब बहुत ही यानी कि सुन्नत रसूल भी है इसको पालना और इनसे प्यार करना, तो यहाँ पे भी इस सुन्नत पे बहुत अमल किया जाता है। और बिल्लियाँ जो है बहुत ज़्यादा बिल्लियाँ थी, कुर्सियों पे बैठी हुई थी, चेयर्स पे, तो ये मगरिब का टाइम है। देखें यहाँ पे जो है कुछ कीचड़ वीचड़ मतलब यानी वो है, जैसे पानी फिलहाल में यहाँ पे खुश्क हो चुका है, तो खैर एनीवेज तो समंदर व्यू तो है और बहुत खूबसूरत है, और अक्रॉस द रोड जो है वो मार्केट्स हैं, रेड टैग है, मैक्स है, और इस तरह से, तो यहाँ पे हमने कुछ देर इंजॉय किया था। बस आज की वीडियो यहीं तक थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, आप लोग भी इंजॉय करें। देखें यहाँ पे सामने जो है देखें यहाँ पे, और आसमान साफ सुथरा, बहुत ही खूबसूरत व्यू है, सनसेट का व्यू, बस सूरज गरूब होने वाला था, हो गया था बल्कि, उसके बाद हमने नमाज़ पढ़ी थी मगरिब की, फिर उसके बाद जो है हम वापस फिर यहाँ से हम चले गए, फिर दूसरी जगह हम यानी शॉपिंग वगैरह की हमने, और ग्रॉसरी, और खाया पिया, समंदर आप इंजॉय करें, उनकी लहरें जो हैं इतना सुकून मिलता है ना, समंदर की लहरों के साथ जो है इंसान सुकून में आ जाता है, उसके देख के बहुत मज़ा आता है, खूबसूरत सुकून होता है उसमें। ज़रूर बताइएगा कैसी लगी मेरी वीडियो आप लोगों को, आज की वीडियो मेरी कैसी लगी आप लोगों को, समंदर सी व्यू, और अपना ख्याल रखिएगा, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहिए, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें हर वक्त, और अल्लाह से राज़ी रहें, कभी भी अल्लाह से जो है ना कोई शिकायत ना करें, और हर वक्त अल्लाह से राज़ी रहा करें, और अल्लाह जो है इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि जब हम राज़ी रहते हैं उससे, और हर हाल में सख्तियाँ और तकलीफ़ें तो आती रहती हैं ज़िंदगी में, तो इसी का नाम ज़िंदगी है, हंसते मुस्कुराते गुजारें।
अपने अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक रखें और किसी से हसद ना करें, बस इसलिए कि यह हसद अगर आप करेंगे तो ये तो अल्लाह ताला के साथ जो है वो फिर शिर्क वाली बात हुई ना, क्योंकि हर एक किसी का, ये देखें शाम का टाइम हो गया है और यहाँ पे लाइट्स ऑन हो गई थी और सुभान अल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह है, ला इलाहा इल्लल्लाह हु अल्लाहू अकबर। मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।